अत्यधिक शोक का विषय है कि हमारे जैन समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार लाला हरिचंद रोगाश्रमा जैन परिवार के मजबूत आधार स्तंभ श्री गौरव जी का कल सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। जैसे ही ये कल दुखद समाचार हमें प्राप्त हुआ, हमारे पूरे होशियारपुर क्षेत्र में एक शोक की लहर व्याप्त हो गई। ऐसा नहीं जैसे बोला जाता है आपके बारे में हमेशा, वो हमारी नदी के भमाशन अंत में जाल लंबा नाम करता हुआ भगवान महावीर जी के से प्रार्थना करते हैं इस परिवार को इतना बल दे, शक्ति दे कि ये अपने जीवन में आपको पुण्य आगे बढ़ा सके और छोटे भाई दास की पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। मैं अपने मंडल के अध्यक्ष दीपक जी अपनी तरफ से और सब प्रदेश सदस्य की ओर से परिवार को संवेदना प्रकट करता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खिलने से पहले ही लेकिन फूल कोई मुरझाए ना, अरे न्याय अन्याय की कुछ तो पहचान रहे। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, फिर मेरे दुख से तुम कैसे अज्ञान रहे। किसी के पास कोई जवाब नहीं, जिसके तन को लगती है सिर्फ वो जानता है। समय की मर्यादा है, मैं सिर्फ आधा मिनट का एक महाभारत का प्रसंग कहकर अपने वक्तव्य को विराम दूंगा कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया कि आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई डुबो सकता है। ये जो शरीर है ये आत्मा का वस्त्र है। और अर्जुन ने हर उपदेश इस शोक समाज सात संगत बड़े ही परिमल के नाल बहुत ही सोच के नाल असी सारे इस तरह बैठे हैं कि साडे परिवार का एक सदस्य साडे विच गया। उसका कारण गुरदास जी ने उन्होंने विश्वास माना कि जिस तरह बढ़ना से पहले खड़े से आज भी खड़े हैं और बेनती करते हैं कि परमात्मा इन्हों ने बच्चे उस पिछली आत्मा अपने चरण वास्तविक और इस परिवार को पाना मन का बल बख्शी इन्हें बेनती करते हुए ओम शांति, ओम शांति। जो उस परिवार को जो बच्चा जन्म करके चला गया है उसके लिए तीन काफी बड़ी राशि मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय विनाश खन्ना जी से, ईश्वर सूर साहब से, होशियारपुर की पहचान श्री अमृतसर पितुर साहब से और सेंचुरी ट्रिपुर के एमएलए साहब प्रेम वजन का कृपया आए और अपने रकमों से उस परिवार को वो राशि लौटा दी। हाँ श्री मेकी लोहरा जी चले आप संतोष चले ठीक। यहाँ पर सामने रखते हुए
शांति पाठ का शरण शांति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक शरण करें। नमो निहंतान नमो सिद्धान नमो आयान नमो वच्चायन नमो लोये सब साहुनम एसो पंच नमोकारो सब पावो पनासनो मंगलांच सवेसिं परमं हवै मंगलम। नमो जो नीचे जमीन पर नहीं बैठ सकते उसके लिए हमने ऊपर गैलरी
या वो ऐसे नाम की कमी के नाम पर जो उसे कम लगाई गई है, कृपया जो कुर्सियों पर बैठना चाहें वो ऊपर गैलरी में जाकर बैठना चाहें नष्ट करें। और एक बात फिर मेरी गुजारिश है यहाँ पर बैठना पसंद कर लोगों से कि कृपया लेना मत छोड़िए, जितना जितना कम दे सकते उससे कहा कीजिए। हरिचंद्र के पास मत जाने पर वाले पास पहुंची रहा खुशहाली और उदाहरण का आपको बता रहा तरीका का हम सफर असल है अब हट करते सर सर हो सकता है कि हम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपने इस बात का आदेश कर मना कर दिया अपने बात को मैं प्रश्न कर जो भी सुनता और कुछ आप जानते हैं और कैसे था जीवन है और मृत्यु है ये सब जानते हैं पर ये आपकी तो स्थिति नहीं है प्रति है ये जन्म निश्चित है इन मुसीबतों में इस संपदा चंद्रमा की तरह एकदम शीतल सभा प्रस्थितियां अनुकूल नहीं हो या प्रतिकूल उनके चेहरे पर न कभी उदास न कभी खामोशी नमस्कार न कभी निराशा कल रोज जो भी सुनता उसका हृदय खमा पड़ता था उस समय को भी कृपया मेरा साथ दे जिस हरिचंद का वास मार गए परिवार का देश का बचा ये खुशहाली और दुखा
Oh.
करना, आयमिल करना, मकर करना, जो हम शिकार के जीवन शैली को दर्शाता है, सभी से बोलना लोग आते हैं क्या? सब साथ जाके से जाके और सभी कहने से जुड़े हैं और आप बोले से जाके आप जाके हैं और जो भाई साहब भी चेक करें ना वो हमारे साथ ही जाके हमारे सोचे के कर्चन के लिए आ जाए बहुत ही बहुत देर अरे जी तुम्हारे जो भी नीचे जिधर आ जाए जाके आ जाए हमारे पास कोशिश हो गया कर रहे हैं प्रोटेक्ट ऐसे लोग करें शीघ्र उपास हमारे से लोग जलता है जिनके हमारे में कुछ बदलाना शायद सुबह को दीपक दिमाने की मांगी है तो दीपक ने भी शायद दीपक को मांगा जो एक संस्था है किसी भी मानने में उसको पालन करने में सहयोग करें
एकाश्म करना, आयुर्वेद करना, व्रत करना,
के साथ ही आपके जीवन शैली को दर्शाता है जो सबको आधुनिक गतिविधियों के साथ साथ गौरव भी सामाजिक गतिविधियों के सदैव प्रदर्शन रहते थे। अभी भी क्या आत्मा के हमारे सैक्री धामी ने बताया कि गौरव भी बहुत ही हमारे जैन मुआवन के वाइस प्रेसिडेंट की आपको शुभकामनाएं देते हैं। श्री प्रकाश कुमार जी जिनके बारे में बिना किसी भेदभाव से सभी लोगों की रोशनी पूर्ण रूप से लेता है उसी पर काम करना चाहिए और सभी संस्थाओं दो तीन सूरत में जैन समाज की संस्थाओं की मान्यता के द्वारा कोई भी शहर की समाज का धार्मिक संस्था हो सबको तन मन और धन से अपना सहयोग दे रहे हैं। जैन स्वामी मां के साथ में बोल रहा हूँ कि जी हमारे भगवान जैन जयंगर हॉस्पिटल के नाते आए हैं अग्रिम सदस्य हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने हमें जैन हॉस्पिटल के लिए शहर डॉक्टर पुष्पा भेज दी है जो शारीरिक जो शरीर समाज और इस परिवार के रूप में सचमुच में अपूर रहे हैं जिन्होंने विधान के आगे में मस्तक होता हुआ शाम में भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और शोक स्वरक्त परिवार को श्री लोकाश जी को उषा जी को कल सुबह भारत सरकार के प्रोग्राम के सरल प्रशासन का समाचार पहुंचोदी जब शहर में पहुंचा तो भारतीय पार्टी से तब रह गया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसी को भी ये यकीन नहीं हो सकता था तो कैसा हो गया कब हो गया। श्री रुपाश कुमार जी शहर के ये सचिव प्लाईवुड के लोग बन गए हैं और समाज के प्रत्येक वर्ष के अग्रिम पंक्ति में रहकर समाज की सेवा करते हैं और सारे लोग सब समाज का सुधार कार्य में इतना समाज का समाज आगे ना से और समाज के हर कार्य में अपना समर्थन से सहयोग देते हैं। इसके अलावा जैन समाज का तो सहयोग देते ही है लेकिन सबको समाज अपना कोई भी सोसाइटी कोई भी संस्थान के लिए शामिल हमारे
मैं भी इस स्टॉल को भी नाम होगा।
मैं कुछ का नाम नहीं बोल सकता हूँ, उनसे अनुरोध के क्या करता हूँ शायद सवाल समय नहीं कर पाएंगे, ऐसे जैन सभा फगवाड़ा के जब से इंकलाब या कार्यक्रम के सदस्यों के साथ में आए हैं अपनी संवेदना व्यक्त की है। ऐसे जैन सभा सुल्तानपुर लोधी के सभी कार्यकारी सदस्य डॉक्टर रविंद्र लाल ने डॉक्टर रविंद्र कुमार जी ने उनकी अध्यक्षता में शामिल बनाया है। ऐसे जैन सभा मोहती के अध्यक्ष श्री अशोक जी प्रधान अशोक जी के नेतृत्व में ऐसे जैन सभा रोजाना के श्री विनोद जी जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में जहाँ पर अपनी संवेदना शोक आशीर्वाद के साथ व्यक्त कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे लिए हमारे शहर के श्री सुंदर श्याम और भैया दौड़ा
बहुत सी सभाओं को संबोधित किया, पर आज जो मेरे दिल के भाव है वो मैं एक शेर में यूं कह सकता हूँ कि आज कुछ नहीं है मेरे शब्दों के गुजते में, कभी कभी मेरी खामोशियाँ निकल गई है। हमारे दानवीर के श्री गोपाल जी अपने इंद्रिय के पक्के आज भी जब सुबह होते होंगे भगवान के दर्शन किए राजीव का नाम लिया होगा, कोई सवाल तो उनके हृदय में नहीं होगा कि आना जाना जीवन है जो आया कैसे जाए। खिलने से पहले ही लेकिन भूल वही लोग आएगा, अरे न्याय अन्याय की उसको पहचान रहे हैं। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान को ही फिर मेरे दुख से तुम कैसे हो जाता है। किसी के पास कोई हवा नहीं जिसके कान पे लगती है सिर्फ वो जाता है समय की मर्यादा है। मैं सिर्फ आधा मिनट का एक महाभारत का प्रसंग लेकर आपके कर्तव्य को विराम दूंगा कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया कि आत्मा को ना तो जगा सकता है ना कोई मार सकता है ना ही हो सकता है। ये जो शरीर है ये आत्मा का वस्त्र है। अर्जुन ने हर देश को श्रेय सागर किया लेकिन जब उसको अपने युवा पुत्र अभिमन्यु का तो अर्जुन का हौसला टूट गया और उस वक्त मैं शिष्य से कहा कि हे पार्थ पुत्र के शब्द जो मेरी पुत्र मधु विलाप कर रही है जरा इसको समझा के दिखाओ कि ये उसका पति नहीं है ये उसकी आत्मा का वस्त्र है। पहली बार कृष्ण के पास कोई जवाब नहीं था। मैं समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ उनकी अगर अनुमति सही कहा अगर इस परिवार के साथ ऐसी अनहोनी हो सकती है तो फिर किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। उनकी ओर से भी श्री दादी को ही कहें प्रणाम करो बेटी इस दुख की ओला में अपने भाई श्री रसाल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। वो बच्ची प्रेम का वो छोटे छोटे दो मासूम फूल मुझे नहीं है कि मैं उनको क्या सांत्वना दूं। शासनाधिपति भगवान महावीर स्वामी दादी जी और बाबा जी के सामने मेरे लिए अरदास है इस परिवार के ऊपर अपनी सेवा दृष्टि बनाए रखें अपना परिवार बनाए रखें और हम सब ये आधारित संपूर्ण दायरा एवं सदस्य पश्चिम दाखिल पूजी जय प्रबंधक जी बशियारपुर ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मुझे ऊपर जगह है ऊपर भी कुर्सियाँ लगी है आप जा सकते हो। और भी जो संस्थाओं के पहुंचे हैं अग्रवाल सब रजिस्टर्ड होशियारपुर होशियारपुर और रोटरी आई बैंक एंड कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड होशियारपुर सभी संस्थाओं का धन्यवाद करता हूँ। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सेवा संघ पक्षी धारक को संचालन करते हैं हमारे संस्थापक हमारे संस्थापक अध्यक्ष इनके गरीब और बीमार और जो कटियों में जो जल्दी उनके साथ पक्षियों का इलाज करते हैं उनके लिए जो हॉस्पिटल बना रखा है और भी जो उसकी प्रोजेक्ट है उतनी भी धन्यवाद और कहा
Yeah.
मैं तीन मेंबरों के साथ मेहमान थे क्या उनके समय में काम कर रहा था वो किस रूप की गतिशील था और संघर्ष था क्या कितना गतिशील है लोग अध्यक्ष हैं तो भी तंग रुझान में हर समय सरकार का सोच के साथ रहते हैं जमुना जी उसके बाद जो भी जिंदगी ले लिया फिर निश्चय होकर चलते हैं सर पहुंचे को सर अंजाम देना यहाँ मैं साथ ही के अब मैं मन कर रहा हूँ ऐसे जज्बा के वहाँ से चिल्ला रहा हूँ मैं उनका जिसे क्या नादानी हुई ऐसा थोड़ा जिससे सारे जवान हैं दिवानी हुई इससे रुद्राक्ष कुमार जी सुभाष कुमार जी नंद किशोर जी एवं शोक तत्पर साधक जयेंद्र कल सुबह श्री गौरव जी के सड़क दुर्घटना का समाचार जब शहर में पहुंचा तो सारा शहर संतप्त रह गया और किसी को भी ये यकीन नहीं हो सकता रहा था कि ये कैसा हो गया कब हो गया तो श्री रुद्राक्ष कुमार जी शहर के ये प्रमुख उद्योगपति हैं और समाज के प्रत्येक कार्य में अग्रिम पंक्ति में रहकर समाज की सेवा करते हैं चाहे वो समाज का धार्मिक कार्य हो या समाज का सामाजिक कार्य हो और समाज के हर कार्य में तन मन धन से सहयोग देते हैं इसके अलावा जैन समाज का तो सहयोग वो देते ही हैं लेकिन समाज का कोई भी सोसाइटी कोई भी संघ उनके पास किसी भी कार्य के लिए जब पहुंचता था तो उसको वे अपना पूर्ण सहयोग देते हैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए श्री गौरव जी जैसे कि अपने परिवार जी अपने नियम में प्रबुद्ध हैं समाय करना और तपस्या करना उनकी दिनचर्या है उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए श्री गौरव जी भी सुबह सुबह करना रात्रि का भोजन वो नहीं लेते थे और अपने कर्म मूल का भी उनका त्याग था जिसमें कि जैन समाज में आज मूली का जैसे कर्म मूल कहते हैं उनका भी सर्वदा वो त्याग करते थे चाहे वो शहर में हो या शहर से बाहर उन्हीं के पद चिन्हों पर रता जी के पद चिन्हों पर चल कर भी वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे लेकिन किसी को ये एहसास ही नहीं हो रहा है कि उनको हम आज भी कितने भारी मान से कह रहे हैं लेकिन विधि का जो विधान है कि जिसने जन्म लिया है उसने एक दिन अवश्य जाना है लेकिन वो अपने पीछे अपने पिता श्री रुदा जी माता श्रीमती उषा जैन अपनी सहनी प्रियंका जैन दो छोटे छोटे बच्चे और सभी परिवार जनों को रोता रोता हुआ छोड़कर अपने आशीष कर्म पूर्ण करके प्रभु चरणों में लीन हो गए हैं लेकिन उनके जाने से जो क्षति परिवार को और सगे संबंधियों को हुई है वो तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती लेकिन विधि का विधान है उसके हाथ आगे हम सब नतमस्तक हैं कि हे प्रभु इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और हम सभी को परिवार जनों को ये नाकाबिले बर्दाश्त सदमा सहन करने की शक्ति प्रदान करें और अपने इनके रूप में शामिल हमारे संघ के प्रधान जनसभा के श्री राकेश कुमार जी गौला कार्यकारिणी एवं सदस्य गण की तरफ से मैं संवेदना प्रकट करता हूँ और पुनः शासन देव से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस दिवंगत आत्मा को अपने चरण में स्थान देते हुए हम सभी को ये सम्मान शयन करने की शक्ति प्रदान करें दुखी हृदय से मंत्री एस एल जयसभा एवं सदस्य गण ओम शांति ओम शांति और जैसे कि मैंने बताया था अपने वास्तवों के कारण यहाँ पर घर सुबह तक वो जला कर गए हैं उनकी बेटी डॉक्टर शिवानी अरोड़ा जी उनके दामाद श्री भक्ति जी और अरोड़ा साहब के बहुत निकटतम सहयोगी श्री शादीलाल जी श्री गुलशन राय जी और श्री सुनीश जैन जी बुलाए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। माननीय डॉक्टर अजय भगत साहब जो कि
सोशल है, बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे सज्जन है होशियारपुर के, यहाँ पर बता रहे हैं। मैं उनका भी हाथ देखा फिर धन्यवाद करता हूँ होशियारपुर की और प्रदेश व्यक्ति शेष प्रदेश अग्रवाल साहब भी यहाँ पर बता रहे हैं। मैं उनका भी हाथ देखा धन्यवाद करता हूँ। अब मैं क्योंकि समय अपनी सीमाओं को बात कर रहा है, जो भी वक्त के लिस्ट मेरे पास सभी ज़्यादा था, मैं पुनः पुनः उनका कृपया दो दो मेरे से ज़्यादा समय नाम साहब श्री सुशील जैन साहब जो कि उत्तरी भारत महासभा नाजुक निर्माता पत्रिका के ओर से बहन जी को सुन करना चाहते हैं। श्री सुशील जैन साहब और
जैसे कि मुझे नहीं जाता किसी से किसी ने पूछा किस दुनिया में किसे किसे कहेंगे उससे बड़ा कष्ट हो जो
जो कि आजकल राजस्थान के लोगों ने मंच भी आया है बहुत भगवान जी के रूप में प्रस्तुति है। मैं श्री महावीर जी से मिला पूरा भगवान जी श्री अनंत जी से बहुत समाज है भगवान जी के रूप में साथ ही माता है वो आप तक पहुंचा इस करके साथ ही श्री महाराज ने महात्मा करते तौर पर जो दोनों में अपनी श्रद्धा सुन के परमात्मा देते हैं इस प्रभाव लेकिन सारे कमी होने के कारण मैं केवल पद के रूप में जो उन्हें गौरव जी देते हैं उसमें अपने मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ इसी तरह से प्रिय गौरव और पिता के पास माँ उषा की आंखों का तारा पिता के पास माँ उषा की आंखों का तारा विनम्र विवेक मधुर व्यवहार से लड़का था सबको प्यारा नाम का गौरव घर परिवार को था जिस पर गौरव प्रेम का था जीवन साथी और अति अमन के थे पापा गौरव जिनसे थी हजारों उम्मीदें वो था होनहार युवा गौरव जिनसे सबके अरमान जुड़े थे वो था सच्चा श्रावक गौरव गजब काल ने क्यामत बधाई गजब काल ने क्यामत बधाई छिन ले गया क्यों हमारा गौरव मृत्यु इतनी निर्दयी बन गई बस में क्यों ले गई गौरव रहता था हर पल मस्त सदा रहता था हर पल मस्त सदा सर्वज्ञान से जागृत था गौरव व्रत नियमों से अग्रणी रहता था मां बाप का आज्ञाकारी गौरव रोहतास पिता का चमकता हीरा रोहतास पिता का चमकता हीरा गौरव था सच्चा कोहिनूर जिसे देख देख कर जीती थी वो उषा माता का सच्चा नूर प्रेम का कथा हर सपना प्रेम का कथा हर सपना गौरव था सच्चा साथी अपना करते थे मिलजुल दोनों हर काम नीच राज प्रमुखता लेकर काम सभी की जीवन निजा मझदार में छोड़ क्यों भर गई जिंदगी की शान सभी की जीवन शैया सभी की जीवन निजा मझदार में छोड़ क्यों भर गई जिंदगी की शान होशियार को संग का सदा मान पढ़ाया प्यारे अभी अनुज के गौरव महान गुरु जी शशि इंदु निपुण वृद्धि की भावना को शीघ्र केवल ज्ञान नीतराज पद मिले शीघ्र तुम्हें गौरव रिद्धि सिद्धि की कमाकर दिया जगत में अमर नाम दिया जगत में अमर नाम तो संदर्शन का अभिनंदन आप जी से ऐसे जैन सभा के अध्यक्ष कमला जी से श्री मामी जैन सभा के अध्यक्ष नरेंद्र जी से भारत के प्रभाव ऐसे जैन महासभा के अध्यक्ष जी से समन्वय बोला साहब की ओर से भी आज के दिन का व्यक्ति है ऊपर उत्तर वर्ग के सुभाष बोला साहब महासभा जी से अर्चना जी महाराज साहब महासभा जी से मीना जी महाराज साहब श्री ओम मुनि स्वरूप जी महाराज साहब उनसे और से भी मैं अपने संवेदना उनके माध्यम से जुड़े हो महात्माओं की जो संवेदना है उसका समाचार रहा हूँ इस मंच के माध्यम से। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री जैन कॉन्फ्रेंस के पंजाब जो अध्यक्ष श्री रमेश कुमार जी का किसान आए चंद्रो के लिए अपने बाबा जी प्रस्तुत करें हमारे बीच श्री प्रमोद जैन सभी आए हुए हैं सहयोगी जाने कौन सा देश जहां तुम चले आज वो गौरव जो अपने पिता का माँ का अपनी धर्म पत्नी का बच्चों का गौरव आज वो कौन से देश में चला गया और ख्याल कैसे जैसे मुट्ठी से निकल कोई व्यक्ति कुछ भी कर ना सका ऐसे परिवार के साथ बड़ी हो सकती है तो हम सबका
और दोनों चीजें ऐसी हैं हम कहीं भी भाग लें वो हमारा नीचा नहीं छोड़ेगा। लेकिन बात वही आती है जैन दर्शन कहती है कि हम कर्मों पर कर्मों को सफल होने पाते हैं और आज से जन्म के पार हुए कर्मों के कि आज इस परिवार को आज हमारे समाज से गौरव नाम का एक छोटा सा हमारा साथी भाई लेकिन जो उठा हुआ है पता नहीं किस किस को वो बहा कर दिया जाएगा। वो बहुत विरोधग्रस्त है और परमपिता परमात्मा को इतना निर्दयी कई बार ऐसे दिखा देता है कि तेरी कायनात से तेरे ऊपर से विश्वास उठ जाता है कि तू है तमाम